अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आपका मेज़बान सैयद मुशर अब्बास मूसवी प्रोग्राम पयाम करबला के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मस्जिद इमाम हसन अस्करी में हम मौजूद हैं। इस मस्जिद के बारे में जिस तरह से हमने पहले बताया, इंशाल्लाह किसी और मौके पर मुफस्सल अंदाज में इस मस्जिद की जो हिस्ट्री है बताएँगे। चल आज जो मौजू हम लेके आगे चल रहे हैं वो है हुसैन अलैहिस्सलाम चिराग हिदायत है। जिस तरह से हमने पहले बयान किया कि इमाम अलैहिस्सलाम जो अहदाफ है, जो मकसद है, वो मदीने से निकलते हैं, करबला की तरफ जाते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम जब निकलते हैं तो यही फरमाते हैं, इन्नमा खरजतु लितलब इस्लाह उम्मती जद्दी। वो चाहते हैं कि वो अपने जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उस उम्मत की इस्लाह करें। अब यहाँ पर सवाल बहुत ज़्यादा अहम है कि वो उम्मत जिसके बारे में ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ मकामात पर इस उम्मत की तारीफ करते हैं, तो फिर यहाँ पर ज़रूरत क्यों पड़ती है कि इस उम्मत की इस्लाह की जाए। आगे अब इंशाल्लाह बयान करेंगे इस हवाले से। लेकिन जब इमाम निकलते हैं तो यही फरमाते हैं कि मैं अपने जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है उसकी इस्लाह चाहता हूँ। वो उरीदु अन आमरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं चाहता हूँ कि अमर बिल मारूफ करूँ, नहीं अनिल मुनकर करूँ। क्यों, ज़रूरत क्यों पेश आ रही है इस उम्मत के लिए कि हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे हादी है, जो खुद रसूल खुदा ने फरमाया कि हिदायत कुनंदे है, ये अमर भी मारूफ कर रहे हैं, नहीं अनिल मुनकर कर, नहीं अनिल मुनकर कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि अब ज़ियारत वारसा में आप देखते हैं, अशहदु अन्नका अन कद अकमत सलात व आतैत ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहीत अनिल मुनकर, वहाँ पर भी इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि नहीं अनिल मुनकर करें। क्यों, लेकिन इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देना, वजह क्या हो सकती है कि खुदा और रसूल और इमाम जो कि हिदायत कुनंदे हैं हमारे लिए, वो आकर इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं ताकि हम उस मकाम और मंजिलत पर पहुंच सकें, हत्ता अताकल यकीन की जो मंजिलत है वहां पर पहुंच सकें। अब हत्ता अताकल यकीन की मंजिल पर कैसे पहुंच सकते हैं, जब मिसाल बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अगर कोई शख्स नमाज़ें पढ़ता है, हज अदा करता है, रोज़ा रखता है, जहाद पर जाता है, लेकिन हत्ता अताकल यकीन के मकाम और मंजिल पर नहीं है, तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है। उसको उस मकाम उस मंजिल पर पहुंचना है, उसको उस मकाम और मंजिल पर पहुंचने के लिए एक ऐसे हादी की ज़रूरत है जो उसको उस मकाम तक लेके जाए। जब आप हादी को इंतखाब करेंगे उस वक्त आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस अंदाज से उस रास्ते को उसने इख्तियार किया है या इंतखाब किया है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद हैं, उनके साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनके साथ हर वो काम जो रसूल ने फरमाया उसको अदा कर रहे हैं, यानी जो शरीयत मुहम्मदी है उसको अंजाम दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद मौला अली अलैहि सलाम की हुकूमत आती है, मौला अली अलैहि सलाम को इमाम और वली जो है इंतखाब किया जाता है, उस वक्त वही लोग इमाम के साथ नहीं देते, यानी जो हादी थे रसूल खुदा उनका हादी था, लेकिन जब इमाम की तरफ आते हैं तो वो इमाम को अपना हादी नहीं मानते। इमाम को अपना हादी न मानना यानी वो हत्ता अताकल यकीन की मंजिलत पर नहीं थे, उस मकाम पर नहीं थे। बहुत से लोग हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ भी जो है जंगें शामिल थे सफीन में, और बहुत से जंगों में मौला के साथ दुश्मन के साथ लड़ रहे थे, लेकिन मौला अली अपने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वफात के बाद, उनकी शहादत के बाद मौला को छोड़कर यजीदी लश्कर में शामिल हो जाते हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो उस वक्त के बरहक और हादी हिदायत कुनंदे थे उनके साथ नहीं देते। इंशाल्लाह हम आज भी इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज भी मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन उस्ताद होजा हैं जनाब सैयद ज़ीशान हस्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप तशरीफ़ लाए। और उसी तरह मुहर्रम अल हराम महीना बहुत ही गमगीन महीना है, जिस महीने में जानते हैं कि इस महीने को याद करके, इस महीने को सिर्फ नाम सुनकर ही उस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू, इसी हिसाब से आपको तसलियत व ताज़ियत अर्ज़ करता हूँ। बिल्कुल, खुदा आपको जज़ाए खैर दे कि ये तमाम जो है खुसूसन हिदायत टीवी के जो मुआरिफ़ अहले बैत के तालीमात को पहुँचाने का ज़रिया है, और हम खुदा के शुक्रगुज़ार भी हैं कि हम फिर इस मकाम पर जमा हुए हैं, और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस खातिर कुर्बानी दी है उस मकसद को लोगों तक पहुँचा। सलामत रहें जी। हमारा बहस चल रही थी कुछ शुभात जिक्र किया कि आज़ादारी ज़रूरत क्यों है, जुलूस वगैरह निकालने की ज़रूरत क्यों है, चार दीवारी के अंदर भी हम उसको इस आज़ादारी को अंजाम दे सकते हैं। और आपने बेहतरीन और मुफस्सल अंदाज से बयान किया कि एहसासाती काम है, इसके लिए हमें बाहर आना पड़ता है। और बहुत जो हमारे नाज़रीन इंशाल्लाह देखना चाहते हैं, हमारे पिछले प्रोग्राम यूट्यूब पर पढ़े हुए हैं, फेसबुक पर पढ़े हैं, वहाँ पर जाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वहाँ से हमारे प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा।
तो आज मेरा सवाल जो ये है कि आज़ादारी ही क्यों, किसी और तरीके से हम मना सकते हैं, मिसाल के तौर पर जश्न के ज़रिए या कोई और दूसरे अंदाज से, हम सिर्फ आज़ादारी की वजह से क्यों हम इसको पहचानते हैं? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, हम जब भी किसी वाक़े की तहलील करते हैं, उसको माहियत को देखते हैं, तो उसके मुताबिक जो है उसके हवाले से इकदाम किया जाता है जी। तो अभी हम जब वाक़या करबला को देखते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देखें जब वहाँ से मदीने से निकल रहे हैं, आज़ादारी उस वक्त शुरू हो चुकी है, बल्कि आज़ादारी उससे भी पहले शुरू हो चुकी है कि मसलन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम को बताया, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, तमाम ये जितनी भी शख्सियात हैं तमाम जानते थे, खुद इमाम की शख्सियत भी जानती थी कि बिल आखिर ये सानहा होना है। तो देखें, आज़ादारी तो इमाम की शहादत से पहले ही शुरू हो चुकी। ये तो वाकई मुशख्खस था, जब जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया में आते हैं उस रसूल खुदा उनको उठाते हैं, एक दफ़ा हंसते हैं, एक दफ़ा रोते हैं, और जब उनसे पूछा जाता है क्यों, तो सब बताते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में इनको शहीद किया जाएगा उस सरजमीन में। तो ये तो वाकई उस वक्त मुशख्खस था, ख़ुद रसूल खुदा को भी और जो दूसरे हमारे आइम्मा अलैहिस्सलाम थे उनको भी मालूम। बिल्कुल, और जिस दिन रोज़े आशूर की असर होती है, जब इमाम को जो है वो शहीद कर दिया जाता है और आसमान में आवाज़ बुलंद होती है, अला कद कुतिल हुसैन बिकरबला, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया है। तो ज़रा मदीने की तरफ रुख करें, मदीने में आप जानते हैं ये मशहूर वाक़या है, खुद अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है कि जनाब उम्म सलमा जो ज़ौजतुन नबी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौज मोहतरमा थी, उनको रसूल ने एक शीशी दी थी कि उस शीशी के अंदर मिट्टी थी, और रसूल ने अपनी जोजा को फरमा दिया था कि ऐ उम्मे सलमा देखो, जिस दिन ये मिट्टी लाल हो जाएगी उस दिन समझ लेना कि मेरा बेटा जो है वो शहीद हो गया है, मेरा नवासा शहीद हो गया है। तो अभी असर का वक्त है और जनाब उम्मे सलमा हालत ख्वाब में थी, सो रही थी, तो ख्वाब में देखती हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं, बाल बिखरे हुए हैं, आंखों से आंसू जारी हैं, चेहरे पे गर्द गुबार है। तो जनाब उम्मे सलमा परेशान हो जाती हैं कि या रसूल अल्लाह, ये आपने क्या हालत बनाई। तो रसूल खुदा फरमाते हैं कि उम्मे सलमा, तुम्हें पता नहीं कि मेरा नवासा शहीद कर दिया गया उस साल में गुर्बत में, उस बियाबान में। और एक दफ़ा होता है कि फ़कत जो है इंसान को मार दिया जाता है, जैसे आज कल के ज़माने में भी जो है होता है, फ़कत इंसान को मार दिया जाता है, लेकिन एक दफ़ा उसको मारने के बाद उसकी तोहीन की जाती है, लाशों पे घोड़े दौड़ाए जाते हैं, जो मुखद्दरात इस्मत है उनसे चादर छीन ली जाती है। तो बहरहाल जनाब उम्मे सलमा बेदार होती हैं और सीधा जाती हैं, जाके शीशी को देखती हैं, तो शीशी में जो मिट्टी थी वो लाल हो चुकी थी। तो उम्मे सलमा समझ जाती हैं कि अब हुसैन इस दुनिया में नहीं रहे। तो देखें, ये वाक़या सुनाने का मतलब ये था कि आज़ादारी खुद इमाम की शहादत से पहले शुरू है। बिल्कुल ऐसे, और आज़ादारी जब इमाम शहीद हुए हैं, खुद जनाब उम्मे सलमा ने आज़ादारी की गिरिया किया, और जनाब ज़ैनब ने, तमाम मुखद्दरात इस्मत असीरान अहले बैत ने आज़ादारी की। तो आखिर सिर्फ आज़ादारी क्यों? मसलन ये भी शुबा फैलाया जाता है कि जी आप तो कहते हैं जी शहादत एक बड़ा बुलंदो बाला मकाम है, सही। तो खुदा वंदे आलम ने इमाम को जो है शहीद शहादत के मकाम पे मंसूब किया है, शहादत का मकाम अता किया है, तो ये मकाम फ़र है, मकाम ख़ुशी है। तो हम ये कहेंगे कि अच्छा, शहादत का मकाम तो मकाम ख़ुशी है, लेकिन वो जो लाशों की बेहुरमती की गई, वो जो असीरान अहले बैत की चादरें छीन ली गई, वो जो 4 साल बच्ची के मुंह पे तमाचे मारे गए, वो जो अली असगर के गले पे तीर चलाया गया, क्या ये भी मकाम फ़र है? शहादत तो मकाम फ़र है, खुदा वंदे आलम के नज़दीक शहादत एक अजीम रुतबा है। हम उस शहादत पे तो गमगीन नहीं हैं, हम तो इस जुल्म व बर्बरियत पे गमगीन हैं। क्या वो जो मारने वाले थे वो क्या नबी का कलमा पढ़ने वाले नहीं थे? ये कैसे लोग थे?
ये कैसे लोग थे कि इमाम के गले पे खंजर चला रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्दी करो, हुसैन को मार के नमाज असर भी पढ़नी है। ये कैसे शकी और कल्ब लोग थे। तो लिहाजा यहाँ पे बनती ही आज़ादारी है, इसलिए कि जो गम से इंसान के दिल की कैफियत होती है वो खुशी से नहीं हो सकती। देखें खुशी में क्या होता है, एक हिजानी कैफियत होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। खुशी जो है इंसान को मस्ती की तरफ ले जाती है, यानी खुशी में ये होता है कि इंसान वो वक्ती तौर पे मुमकिन है उसके जो एहसासात हैं, उसके जो अवातिफ हैं वो जाग जाएं, लेकिन वो बहुत कम उसके जो है महदूद होते हैं, लिमिटेड होते हैं। लेकिन गम एक ऐसी चीज़ है कि गम जो एक दूरपा चीज़ है, एक देर तर कायम रहने वाली चीज़ है। तो ख़ुद वाक़ करबला ये इसमें जो जुल्म बर्बरियत हुआ है वो है ही गम। अल्लाह अकबर। यानी हम कैसे बर्दाश्त करें कि वो कूफा के जहाँ पे सानिया ज़ाहरा दर से तफसीर दिया करती थी, उसी कूफा में सानिया ज़ाहरा आई हैं और उनके हाथ बसे गर्दन बंधे हुए हैं। ये क्या जश्न का मकाम है? हरगिज़ नहीं। तो हम ये जो गम मनाते हैं, ये जो आज़ादारी करते हैं, ये जो मातम है, ये जो सीना जनी है, ये जो मजालिस हैं, ये जो मसाइब हैं, ये जो नोहे हैं, ये तमाम उस वाक़े के, उस वाक़े आशूरा के अहिया के लिए हैं। और आज़ादारी को महदूद इसलिए किया क्योंकि आज़ादारी में बका है। और देखें ये जो बीबियाँ थीं, ये जो मुखद्दरात इस्मत थीं, ये उस सख्त वक्त में भी ऐसा नहीं हुआ कि जब हम जो हम आम इंसान हैं ना, हम जब किसी अजीज़ को खो दें तो बाज़कर खुदा की इबादत से गाफिल हो जाते हैं। हमारा जब कोई बहुत करीबी दुनिया से चला जाए बाज़कर नमाज से ताखीर हो जाती है, और अगर इंसान का ईमान कमज़ोर हो तो नमाज बिल्कुल कज़ा हो जाती है, और अगर बिल्कुल ईमान नामी चीज़ ना हो या एक नाम का ईमान हो तो बाज़कर इंसान जो है वो, मसलन हमने ख़ुद देहातों वगैरह में आगे पीछे देखा है, इंसान जो है ना चाहते हुए ऐसे ऐसे अल्फाज कहे जाते हैं जो अकीदे तौहीद के मुनाफी हैं। मसलन कोई ये कह दे ओ हो इसका तो यही एक बेटा था, मसलन 10 साल बाद बेटा हुआ है, वो फोत हो गया, ओ हो खुदा ने इस पर रहम नहीं किया, नाउज़ बिल्ला। ये खुदा की अमानत है, हम सब अपने वालदैन के वो उनके लिए नेमत हैं, लेकिन हम खुदा की अमानत हैं। बेशक बेशक। देखें वो मशहूर वाकया भी है ना कि मसलन रसूल के एक सहाबी थे, उनकी जोजा बहुत बाईमान थी, यानी अहले बैत की मानने वाली, रसूल की सीरत पे चलने वाली। तो ये जो सहाबी थे इनको अपना फर्जंद बहुत अजीज़ था, सही। बहुत ज़्यादा उससे प्यार करते थे। तो एक दिन घर में आते हैं तो देखते हैं कि फर्जंद नहीं है, तो आके फर्जंद का पूछते हैं सहाबी, तो आगे से ये खातून कहती हैं कि वो दूसरे कमरे में सोया हुआ है। फिर उसके साथ बातचीत शुरू करती हैं और कहती हैं कि ए फलां देखो, अगर तुम्हें कोई आप कोई चीज़ अमानत दे तो तुम उस अमानत को क्या करोगे, उसको वापस करोगे या नहीं? तो उसने कहा अमानत तो होती ही वापस करने के लिए है। तो कहा देखो अमानत वापस करने पे क्या तुम्हें कोई नाराज़गी होगी, तुम्हें कोई गम होगा? उसने कहा नहीं, अमानत वापस करने पे क्या गम होगा। तो कहा देखो हमें जो खुदा ने अमानत दी हुई थी वो खुदा ने हमसे वापस ले ली है। देखें ये होता है ईमान। क्या बात है कि जब खुदा पे ईमान हो इंसान को तो फिर जो अकीदा तौहीद है वो इस तरह ज़ाहिर होता है। तो अभी जो अहले बैत थे, जो वाक़या करबला रूनमा हुआ है, उसमें जो जुल्म व बर्बरियत हुआ है, हम दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि ये जो जुल्म व बर्बरियत करबला में हुआ है इसका फिर तकरार नहीं होगा, इसलिए कि उस वक्त हम लोग नहीं थे, उस वक्त इमाम के अंसार बहुत कम थे, लेकिन आज अहले बैत के लिए हम सब की जानें हाजिर हैं। तो गम का फलसफा ये है कि गम इंसान पे रिक्कत तारी करता है, इस वजह से गम में इंसान का दिल अकायद को, मआरिफ को कबूल करने की सलाहियत पैदा कर लेता है,
اور غم اور اس ظلم و بربریت پہ بھی خوشی تو نہیں منائیں گے. وہ تو بنو امیہ تھے بے شک جنہوں نے خوشی منائی. بالکل ایسے جب پتہ چلا کہ حسین مارے گئے ہیں تو وہ بنو امیہ تھے جو خوشی منائی. بازاروں کو سجایا گیا ہے, بازاروں کو سجایا گیا. یہ جتنے تاریخی واقعات موجود ہیں, بالکل اگر آج بھی بنو امیہ کی یہ خواہش ہے کہ اسی طرح خوشی منائی جائے, یہ نہیں ہوگا. اہل بیت کے ماننے والے, چھٹے امام نے یہی تو فرمایا ہے کہ شیعتنا خلقکم من فضل طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا, کہ جو ہمارے شیعہ ہیں وہ ہماری فاضل طینت سے خلق کیے گئے ہیں, ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں, ہمارے غم میں غم مناتے ہیں. آپ دیکھیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے کیا واقع کربلا کے بعد خوشی منائی ہے, بلکہ کیا کہا کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے, دیکھیں انسان کی آنکھ سب سے نازک حصہ ہے جسم کا, اور پھر جو پلکیں ہیں وہ اس سے نازک تر ہیں. معصوم یہاں کیا فرماتے ہیں کہ کربلا نے ہماری پلکوں کو زخم کیا ہے, پلکوں کو زخمی کر دیے. اگر ائمہ معصومین خوشی مناتے ہم بھی خوشی مناتے, تو ائمہ معصومین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری پلکیں زخمی ہو گئی ہیں واقعہ کربلا کے بعد. یہ اتنا غمناک واقعہ ہے, واقعہ نہیں صحیح ہے, تو اس میں کوئی احمق انسان اس پہ خوشی منائے گا؟ بے شک. اور دوسری یہ بات ہے کہ چھٹے امام ہی کے زمانے میں امام صادق علیہ السلام جب اپنے گھر میں موجود تھے, تو اس وقت کا جو ملعون تھا اس نے حکم دیا کہ امام کے گھر کو آگ لگا دی جائے. تو امام کے گھر کو آگ لگا دی جاتی ہے, امام کی جو مستورات تھیں وہ گھر کے اندر تھیں, تو مستورات کی تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے نا, خاتون جو خواتین ہیں وہ احساساتی وجود ہے, خداوند عالم کی طرف سے احساساتی وجود ہے. بالکل ان کے یعنی وہ سختی میں ان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال جو مستورات تھیں وہ جو ہے ڈر کے خوف کے مارے ایسے باہر آئی ہیں, تو آ کے یعنی آگ سے محفوظ رہی ہیں الحمدللہ, کوئی ان کو صدمہ نہیں پہنچا. تو امام کا ایک چاہنے والا پاس تھا اور کہا کہ امام الحمدللہ جو مستورات ہیں وہ سب آگ سے محفوظ ہیں, آپ کے گھر والوں کو کسی کو کوئی مشکل نہیں ہوئی, آپ کیوں گریہ ساری کر رہے ہیں؟ امام کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں مجھے وہ وقت یاد آ گیا ہے کہ جب میرے جد حسین کو مارا گیا, خیموں کو آگ لگائی گئی, یہاں تو میرے اپنے چاہنے والے ہیں, غلام ہیں جنہوں نے اس طرح بچا لیا ہے, جو مدد کو لیے حاضر ہیں, وہاں تو ان مستورات کے پاس کوئی نہیں تھا. تو بہرحال ائمہ نے اس واقعے پہ غم کا اظہار کیا, ائمہ اس واقعے پہ غمگین ہیں, ان کے دل زخمی ہیں, ان کی پلکیں زخمی ہیں. تو اسی وجہ سے انسان کی جو سرشت ہے, جو انسان کو خداوند عالم نے خلق کیا ہے, اس میں یہی ہے کہ جو غم ہے وہ پائیدار رہتا ہے, صحیح, وہ محکم تر ہے, بالکل صحیح, خوشی کے مقابلے میں. اور خوشی یہاں پہ بنتی نہیں ہے, بالکل, اس لیے کہ یہ جو ہے وہ جو ظلم و بربریت ہوا ہے اس پہ خوشی نہیں, اس پہ غم منایا جاتا ہے. لہٰذا یہاں پہ کربلا سے اسی غم کے اسی عزاداری سے ہمیں استقامت کا درس ملتا ہے. کیا بات ہے, بالکل ایسا, کہ انسان پہ جتنا مشکل وقت آ جائے اس نے ہرگز استقامت سے نہیں بھاگنا, استقامت دکھانی, صبر کے ساتھ آگے چلنا ہے. اس لیے کہ جیسے حدیث میں ہے نا کہ ایمان صبر کی مثال انسان کے ایمان کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے انسان کے بدن کے ساتھ اس کا سر ہوتا ہے. اگر انسان کا سر کاٹ دیا جائے, قلم کر دی جائے, تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. بالکل ایسے, تو انسان کا ایمان بھی اسی طرح ہے, اگر اس سے صبر کو نکال دیا جائے تو انسان کا ایمان ایمان نہیں رہتا. بالکل ایسے.
بہترین انداز. اب یہاں پر دیکھیں بہت سے شبہات ہیں موجود ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم اس شبہات کو کسی اور پروگرام کی طرف لے جائیں گے, جب انشاءاللہ موقع ملے گا تو اس پر ہم بات کریں گے. کیونکہ اگر ہم آزاداری کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ لیکن اس میں شبہات بہت زیادہ ہیں جس کو بیان کرنے میں وقت ہمارے پاس, کیونکہ موضوع بھی ہمارا وہ نہیں ہے, لیکن پھر انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن ابھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جیسا ہمیں فرمایا کہ آزاداری کے ذریعے ہم اپنے اس مقام اور منزلت ہدف کو حاصل کر سکتے ہیں, ایک ہادی ہے جس کے ذریعے ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں, قرب الہی حاصل کر سکتے ہیں. اب جب ایک ظاہر بات ہے ایک ہادی ہے, ایک انبیاء میں سے جب کوئی مثلا نبی ہے یا کوئی مثلا ائمہ علیہ السلام سے کوئی آتا ہے, تو امام حسین اس کے حوالے سے جب ہم امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں, آیا صرف امام حسین علیہ السلام کے نہیں بلکہ جتنے بھی ائمہ علیہ السلام ہیں یا انبیاء علیہ السلام ہیں, ان کے دشمنوں پر لعنت بھیجنا کیسا ہے؟ آیا ضروری ہے لعنت بھیجنا یا نہیں ہے؟ بالکل, دیکھیں یہ عموماً جو ہے وہ آج کل کے معاشرے میں منافقین, میں کہوں گا منافقین کی طرف سے یہ شبہ ایجاد کیا جاتا ہے کہ چلیں آپ نے آزاداری کرنی ہے آزاداری کر لیں, آپ نے مجالس برپا کرنی ہے مجالس برپا کر لیں, آپ نے ماتم کرنا ہے ماتم کر لیں, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں. بالکل, لیکن دشمنوں پہ یا جو ان کے مخالفین تھے ان پہ لعنت کیوں بھیجتے ہیں؟ صحیح بات, یہ بات بہت, اس لعنت کا کیا جواز ہے, اس لعنت کا فائدہ کیا ہے؟ تو دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس جو تعلیمات ہیں وہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں. میں قبل اس کے کہ جو ہے وہ باقاعدہ اس جواب کو شروع کروں, ایک جو ہے واقعہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. کہ عراق میں جب جو ہے وہ استعمار تھا, آج سے کوئی 100-150 سال پہلے انگریز استعمار تھا, تو وہ عراق کے گلی کوچوں میں گھوم پھر رہا تھا, تو اچانک اس نے دیکھا کہ مساجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی ہے. اللہ. تو اس نے کسی سے پوچھا یہ کیا ہے, یہ کیا رسم و رواج ہے؟ تو اس کو کہا گیا کہ یہ مسلمان جو ہے نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اس سے پہلے اذان کہی جاتی ہے, اذان سے جو ہے وہ مسجد میں لوگ جمع ہوتے ہیں یا یہ سب کچھ. تو اس نے کیا کیا آیا اس اذان سے کوئی ہماری حکومت کو خطرہ ہے؟ اللہ. تو کہا گیا کہ نہیں اس سے آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو پھر اس نے آگے سے کہا کہ پھر صبح و شام جتنی اذانیں دینی ہیں اذانیں دیتے رہے, کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ سوال بھی اس نوعیت کا ہے, اگر دشمنوں سے اظہار برات نہیں کریں گے دشمنوں کو تکلیف نہیں ہوگی, دشمنوں سے اظہار برات کریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی. اس لیے کہ آپ نے جب نئی نسل کو پروان چڑھانا ہے, نئی نسل کی تربیت کرنی ہے, تو ان کو دوست کی بھی نشاندہی کروانی ہے, دشمن کی بھی نشاندہی کروانی ہے. اگر آپ نے دوست کی تو نشاندہی کروائی, دشمن کی نشاندہی نہیں کروائی, تو وہ دشمن دوست بن کے آپ کو نقصان پہنچا دے گا. آج دیکھیں نا یہ جو فرہنگی یلغار ہے, جو ثقافتی یلغار ہے پوری دنیا میں, مسلمانوں پہ ثقافتی یلغار ہے اس وقت, مختلف جو ہے وہ چینلز چل رہے ہیں اور پھر اس موبائل میں جو ہے وہ انسان جو دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے, یہ ثقافتی یلغار ہے, یہ آپ کی ہویت کو ختم کرنے کی کوشش ہے. صحیح بات. تو اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے کہ کون سی چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے تو بچے اس سے نہیں بچیں گے. بے شک. اگر آپ نہیں بتائیں گے کہ بیٹا جب موبائل کھولو جب ٹیلی ویژن دیکھو تو کون سی چیز نہیں دیکھنے والی, بالکل, تو بچے کو نقصان ہوگا, وہ تربیت نہیں پا سکے گا. بالکل. ایک جو مسلمان ہے ایک مؤمن جو ہے وہ بھی بالکل اسی بچے کی مانت ہے, اگر وہ اپنے دشمن سے اظہار برات نہیں کرے گا تو وہی دشمن اس کو نقصان پہنچائے گا. لہذا دشمن کی پہچان ضروری ہے, پھر اس سے اظہار برات کرنا ضروری ہے, کیونکہ اگر اظہار برات نہیں کریں گے تو دشمن آپ کو دھوکہ دے جائے گا. بالکل ایسے ہی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہی سمجھے گا کہ آپ اسے دشمن نہیں سمجھ رہے. صحیح بات. دیکھیں آج کل جو ہے بالآخر دنیا کا نظام ایسے بنا ہوا ہے کہ ہر ملک کی ایک سرحد ہوتی ہے, یہاں پہ سرحد ختم ہوئی ہے پاکستان ہے, یہاں پہ سرحد ختم ہوئی ہے ایران ہے, اور اسی طرح یہ تمام سرحدیں ہیں. تو ان میں کچھ استعماری ممالک ہیں, مثلا یہی امریکہ ایک اس وقت بہت بڑا استعماری ملک ہے. تو امریکہ جو ہے اگر آپ اس سے اظہار برات نہیں کریں گے تو وہ آپ کو ڈسے گا. صحیح. اس وقت دنیا میں
चाहे आप ट्यूनिस को देख लें, चाहे आप लीबिया को देख लें, चाहे अफ़गानिस्तान को देख लें, जहाँ जहाँ बर्बादी हुई है अमेरिका दोस्त बन के आया और उसने जो है आपको बर्बाद करके रख दिया। तो अगर ये हुकूमतें उस वक्त अमेरिका से इजहार बरात करती तो आज इन ममालिक का ये हाल नहीं होता। यही हालिया आप देख लें पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, जो कुछ भी हुआ, अभी मसलन इम्पोर्टेड हुकूमत भी जो है वो मुसल्लत कर दी गई, तो इसमें अमेरिकी साजिश आया है। वो लाख कहें कि जी हमने कुछ नहीं किया, वो अमेरिकी साजिश आया है। तो पाकिस्तान की जो मसलन आप कह लें कि जो हालात में मुश्किल थी वो यही थी कि इन्होंने जो है वो अमेरिका को दोस्त समझते रहे, अभी तक भी दोस्त समझते हैं, जिसकी बिना पे वो जब चाहता है पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुंचा सकता है और पहुंचाता रहा है और पहुंचाता रहेगा। लेकिन ईरान को देख लें, यहाँ इस्लामी जमहूरिया ईरान है, यहाँ पे ये खुल के कहते हैं कि हम हमारा जो दुश्मन है वो सर फहरिस्त अमरीका है। अगर ये दुश्मन नाबूद हो जाए तो इसराइल खुद ब खुद नाबूद हो जाएगा। लिहाजा ज़ियारत अशूरा में, ज़ियारत अशूरा में क्या आप कहते हैं, अतकर्रब इलल्लाही बिलबराअति मिन आदाइक। बिल्कुल ऐसा ही, मैं खुदा का कुर्ब कैसे हासिल करता हूँ, दुश्मनों से बरात, दुश्मन से इजहार बरात करके। इन शैतान लकुम अदुवन फत्तखिज़ूहु अदुवा, ये भी कुरान मजीद का है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, लिहाजा तुम इसको अपना दुश्मन ही बना के रखो। और दुश्मन को दुश्मन तब बनाया जाता है जब आप उससे इजहार बरात करें। अगर दुश्मन को महसूस हो कि आप उसके लिए नरम गोशा रखते हैं वो फिर तो मुमकिन है आप नुकसान से बच जाएं, लेकिन आपकी नस्लों को बर्बाद कर देगा। लिहाजा आप इजहार बरात करें ताकि वो आपकी नस्लों को नुकसान ना पहुँचा सके। यहाँ पे एक और शुबहे का भी मैं जवाब देता चला जाऊँ कि बाज़ का ये भी कहा जाता है कि देखें जी वो ज़ियारत अशूरा में 100 दफ़ा आप लानत भेजते हैं, मसलन बनी उमैया पे लानत भेजते हैं, फ़लाँ पे लानत भेजते हैं, फ़लाँ पे लानत भेजते हैं, तो इस लानत की क्या ज़रूरत है, उसकी जगह पे आप सलवात भेज लें। तो देखें इसके लिए आपको वही जो मैंने पहले बात किया कि खुदावंद आलम ने जो इंसान को खल्क किया है उसमें दो आमिल हैं, उसके सैर व सलूक में, उसकी रफ्तार व गुफ्तार में, उसके किरदार में, वो क्या है, आमिल शनाख्ती है और आमिल एहसासाती है। आमिल शनाख्ती वही किताब पढ़ने से, चीज़ों की मालूमात लेने से वो तकवीत पाता है, लेकिन जो आमिल एहसासाती है, जो अवातिफ़ हैं, जो इंसान में जज्बात हैं, वो भी फिर दो किस्म के हैं, वो या मुस्बत हैं या मनफी हैं। देखें होता क्या है कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपको उसमें कमाल नज़र आता है, तो आप उससे इजहार हमदर्दी करते हैं, इजहार मोहब्बत करते हैं, आप उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं। लेकिन जब आपको कहीं से तोहीन महसूस हो, कहीं से नफ़रत महसूस हो, तो आप उससे दूरी इख्तियार करते हैं और इजहार बरात करते हैं। यानी ख़ुद ये मैं कहना ये चाहता हूँ कि ख़ुद ये जो लानत है ये इंसान की फितरत में है। देखें खुदाबंदे आलम ने बास जगहों पे कुरान मजीद में कहा लानल्लाहो, खुदा की लानत हो उन पे। अच्छा लानत का मैं मफहूम भी बताता चला जाऊँ, नाज़रीन देख रहे हैं वो समझ सके, वो हमारे पंजाब में, क्योंकि आजकल जब हम कहते हैं लानत हो तो वो उसको कुछ और ही समझते हैं, या गाने में इस्तेमाल करते हैं या किसी और चीज़ में। नाज़रीन को बताइएगा ताकि वो इस चीज़ को पहले समझें कि लानत का मफहूम क्या है। देखें लानत का मतलब ये है, जब कहते हैं ना लानल्लाह हो कि खुदा की उस पर लानत हो, खुदा लानत करे, यानी लानल्लाह हो यानी खुदा उसको अपनी रहमत से दूर करे। ये है लानत का मतलब, यानी ये एक किस्म की बददुआ दे रहे हैं कि खुदा की लानत से उसको दूर वो किया जाए या हो जाए। तो जब कोई शख्स खुदा की रहमत से दूर हो जाए वो मलऊन कहलाता है। शैतान को जो मलऊन कहते हैं वो इसी बिना पे कहते हैं कि उसको खुदा की रहमत से दूर कर दिया गया है। क्यों? कि जब खुदावंद आलम ने उसे ये कहा कि देखो आदम को सजदा करो, तो उसने कहा कि क्या मैं उसको सजदा करूँ जिसको तूने मिट्टी से पैदा किया और मुझे तूने उससे आग से पैदा किया,
तो मैं कैसे उसको सजदा कर सकता हूँ। तो खुदाबंद आलम ने उसको दुत्कार दिया, उसको मर्दूद करार दिया, किससे? अपनी बारगाह से, जन्नत से भी निकाल दिया उसको, वहाँ से उस आलम बाला से उसको निकाल दिया। तो यहाँ पे वो जो शैतान मलऊन कहा जाता है वो इस माना में होता है कि खुदाबंद आलम ने उसको अपनी रहमत से दूर कर दिया है। तो लिहाजा जो इंसान को खुदाबंद आलम ने खल्क किया है वो उसमें एहसासात हैं, एहसासात फिर मुस्बत हैं मनफी हैं, तो वो दोनों एहसासात वो ज़ाहिर होने चाहिए। और दूसरी यहाँ पे मैं एक चीज़ कहता चला जाऊँ कि देखें खुदाबंद आलम ने जो इंसान को खल्क किया है ना उसको हंसने की भी कुव्वत दी है और रोने की भी जो है सलाहियत दी है। तो अगर आप जो है वो एक कुव्वत को बरकरार लाते रहें, दूसरे को बिल्कुल क्या कर दें, इस्तेमाल ना लें, इस्तेमाल ना करें, तो वो जो है इंसान की खिलकत में जो है एक नक्स पैदा हो जाता है। तो जो मसलन मकाम तज़ाहुक है या जहाँ हंसने का मकाम है वो वही है कि जश्न वगैरह में या आपस में गप शप लगाते हैं। बिल्कुल। तो रोने का मकाम कहाँ पे होता है, कहाँ पे इंसान रोता है, वो यही है जब हज़ीन होता है। और जब इंसान हज़ीन होता है तो वहीं पे उसका इजहार बरात होता है। देखें जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली अकबर को मैदान में भेज रहे थे ना तो क्या कहा, अल्लाहुम्मा फशहद कद बरज़ा इलैहिम गुलाम, कि खुदाया तू गवाह है ना कि मैं इनकी तरफ किसको भेज रहा हूँ, एक ऐसे लड़के को अशबहुन्ना से कि जो लोगों में सबसे ज़्यादा मुशाबे है रसूल खुदा, किस चीज़ में, रफ्तार में, गुफ्तार में, किरदार में। ये गवाही क्यों इमाम जो है वो खुदा को गवाह क्यों बना रहे हैं, यानी इजहार बरात है इन लोगों से कि खुदाया ये तेरे हम शक्ल पैगंबर को इस तरह इन्होंने शहीद करना है। तो ये हम देखें जो मकतब अहले बैत है उसमें जो अथेंटिक बात है, उसमें जो दलील है, वो हुज्जत, जो हुज्जत है वो अहले बैत है। अहले बैत जो हमें कहेंगे हम उसी के मुताबिक चलेंगे और अहले बैत की सीरत ही पे चलने में अमनो अमान है, अहले बैत ही की सीरत में चलने में सआदत है। अच्छा एक और नुक्ता मैं यहाँ पे इजाफा करता चला जाता हूँ कि यही इसहारे बरात के हवाले से ना कि भाई लानत करना क्यों ज़रूरी है, इसहारे बरात करना क्यों ज़रूरी है। एक तो मैंने पहले बता दिया कि खुदाबंद आलम ने भी अपने दुश्मनों पर लानत की है और ख़ुद रसूल ने भी इज़हार बरात किया है। देखें जो वाक्य मुबाहला है उसमें क्या है, रसूल को चैलेंज किया गया कि आए देखते हैं कौन जो है सच्चा है कौन झूठा है, और जो झूठा होगा फनजअल लअना, यानी हम उस पर क्या करेंगे, लानत करार देंगे, हम उसको मलऊन करार देंगे कि वो खुदा की रहमत से दूर हो। तो वो भी इज़हार बरात के लिए रसूल खुदा अपने उन अहले बैत को लेके जाते हैं और वहाँ पे वो इज़हार बरात से पहले ही मुबाहला नहीं हो पाता। तो बहरहाल मैं जो बात करना चाह रहा था कि खुदाबंद आलम की सुन्नत इलाही, सुनन इलाही यानी सुन्नतुल्लाह, यानी जो सुन्नत इलाही है वो तब्दील नहीं होती, वो काबिल तगैर और तबद्दुल नहीं है। मैं एक सादा मिसाल से समझाना चाहता हूँ कि इंसान का ये जो जिस्म है, इसलिए सादा मिसाल इसलिए देना चाह रहा हूँ कि इंसान बिल आखिर मखसूस चीज़ों से आशना होता है, यानी जो हिस्सी चीज़ें होती हैं उनको जल्दी समझ लेता है। यानी देखें जब रसूल खुदा लेके जब रसूल खुदा को अम्र हुआ कि आप अपने रिश्तेदारों को वांदर अशीरा तक अकराबीन, कि आप अपने अकराबीन को डराएँ, उनको खौफ दिलाएँ, तो वहाँ पे रसूल खुदा ने जब तमाम लोगों को जमा किया जी। तो वहाँ पे उनको क्या कहा था कि अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि पहाड़ के पीछे कोई है तो तुम यकीन करोगे या नहीं? यकीन करेंगे। उन्होंने कहा यकीन करेंगे। बिल्कुल। देखें रसूल को वो सच्चा मानते थे। बिल्कुल ऐसे ही। रसूल ने ये क्यों पहले क्यों नहीं कहा कि कहो खुदा एक है? नहीं, रसूल पहले हिस्सी मिसाल से उनको समझाना चाह रहे हैं, देखो मैं झूठ नहीं बोलता, अगर मेरे कहने पे तुम पहाड़ के पीछे किसी चीज़ के वजूद को मान सकते हो तो फिर मैं ही तुम्हें ये कह रहा हूँ कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहो, कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो तुम कामयाब हो जाओगे। क्या बात।
तो लिहाजा खुदावंद आलम ने जो इंसान का इंसान के बदन को खल्क किया है वो उसमें यही है, दो चीज़ें हैं, एक जज़्ब कुनंदे है और एक दफ कुनंदे है। यानी जज्ब कुनंदे के यानी इंसान का जो बदन है वो जज्ब करने की सलाहियत रखता है। और इसी तरह मसलन हम जब गज़ा खाते हैं तो देखें अभी हमारे जो गुर्दे होते हैं वो दफ कुनंदे का काम करते हैं, यानी इंसान के बदन से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको जो है वो बदन से निकाल देते हैं। अगर ना निकालें क्या नुकसान होगा, इंसान की मौत वाक़ हो जाएगी। यानी बदन जो है वो इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं है कि जो चीज़ दफ करने वाली हो उसको दफ ना किया जाए, उसको बाकी रखा जाए। जिस तरह इंसान का जिस्म इस तरह है, इसी तरह इंसान की रूह है, वो जज्ब कुनंदे भी है दफ कुनंदे भी है। जज्ब कुनंदे क्या है कि जो हादियान इलाही हैं उनकी इत्तबा करें, उनसे इजहार मोहब्बत करें ताकि उस कमाल के मकाम तक पहुँच जाए। दफ कुनंदे क्या है कि जो खुदा के दुश्मन हैं, जो अहले बैत के दुश्मन हैं, उनसे इजहार बरात करें। अगर इजहार बरात नहीं करेगी तो जैसे गुर्दे ख़राब होने से इंसान के मौत वाक़ हो जाती है, इसी तरह खुदा के दुश्मन से इजहार बरात ना करने से इंसान की रूह मर जाती है। लिहाजा ये जो लानत करना है ये इंसान को ज़िंदगी अता करता है। जैसे गुर्दे जो है वो इंसान को ज़िंदगी अता करते हैं, यानी उसकी ज़िंदगी को दवाम देते हैं, इसी तरह ये जो लानत है ये इंसान की रूह को ज़िंदगी बख्शती है, उसको सआदत अबदी अता करती है। ये जो गुर्दे हैं ये तो इंसान के वो एक महदूद लिमिटेड लाइफ है, उसमें जो है ये उसके दवाम को उसको दवाम देते हैं, उसको बका देते हैं। लेकिन जो इंसान की रूह है वो जो है इंसान की रूह जो है अगर वो दुश्मन से इजहार बरात करेगी तो वो उसको दायमी सआदत अता करेगी। लिहाजा मैं एक और मिसाल भी देता चला जाऊँ, वक्त के दामन में गुंजाइश कम है, वो ये है कि मसलन हम कुरान मजीद में देखें, यानी ये जो लानत करने वाला उसलूब है ये हमने अपने तय नहीं अपनाया, ये कुरान मजीद का उसलूब है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए खुदावंद आलम ने क्या कहा, कद कान अतलकुम उस्वतुन हसना फ़ी इब्राहिम। किस चीज़ में उसवा हसना है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है उसको खुदावंद आलम ने मोमिनीन के लिए मुस्लिमीन के लिए उसवा करार दिया। किस चीज़ में उसवा, हज़रत इब्राहिम ने लोगों को कहा कि मैं तुम्हारे बुतों से बड़ी ज़िम्मा हूँ, ये ना नफ़ा पहुँचा सकते हैं ना नुकसान पहुँचा सकते हैं। और यही चीज़ हमने अपनाई है कि जो भी अहले बैत के दुश्मन हैं हम उन पर लानत करते हैं, इसलिए कि जो हादियान इलाही के मुकाबले में आ जाए, चाहे वो बेजान बुतों की शक्ल में हो चाहे जानदार इंसानों की शक्ल में हो, उनसे इजहार बरात खुदा का हुक्म है, उन पर लानत करना खुदा का हुक्म है। माशाल्लाह बेहतरीन अंदाज़ से बयान कर रहे हैं। अब जिस तरह से आपने कहा कि मसलन खुदा का हुक्म है कि बराअत करना, आया इसमें मुख्तसर में चाह रहा हूँ बयान कर दें कि जब मिसाल के तौर पर हम दुश्मनों के हवाले से कह रहे हैं कि मसलन ये दुश्मन है तो उस पर लानत करें, दोस्तों के हवाले से क्या है, या उनके साथ भी मसलन मुहिब्बे अहले बैत हैं जो चाहने वाले उनके साथ? देखें ये मैंने अर्ज़ किया कि दोस्तों के साथ मोहब्बत का इजहार करना जो है ये भी सुन्नत इलाहिया में से है। सुभान अल्लाह, यानी जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदाया कि जो भी हुसैन से मोहब्बत करे तो उससे मोहब्बत करे, क्या बात है, क्या बात है, सही है, तो हुसैन से मोहब्बत कैसे करेगा जब वो या हुसैन के आवाज़ें कहते हुए आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो है मोहब्बत का पहला आप कह लें पहला जो स्टेप है, जो पहला कदम है वो यही ज़बान से इजहार करना है। यानी ये इश्क के मराहिल हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो खुद यहाँ पे पहला मरला यही है कि आप ज़बान से इजहार करें कि मैं जो है अहले बैत का चाहने वाला हूँ, मैं इमाम हुसैन का चाहने वाला हूँ, और मैं इमाम हुसैन की मजलिस में इसलिए शिरकत करता हूँ कि इमाम ने दीन के लिए कुर्बानी दी है, इमाम ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी दी है। तो जब आप मजलिस में आ जाएंगे ये आपका दूसरा मोहब्बत का कदम है कि आप अमलन
आके जो है वो मजलिस में शिरकत कर रहे हैं, और जब आप इमाम की सीरत को अपना लेंगे, वक्त के तमाम यजीदियों को पुकारेंगे, ललकारेंगे और बातिल को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आपका इश्क तमाम हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। और यही वो चीज़ है कि जिसका खुदा ने हमें हुक्म दिया है। लेकिन हद अकल पहली चीज़ ये है कि हम ज़बान से इजहार मोहब्बत करें। और यही वजह है कि रवायात में है कि जैसे आपने इजहार मोहब्बत करनी है वैसे ही इजहार लानत करनी है, क्योंकि खुदा बंदे आलम भी मोमिनीन से मोहब्बत करता है और अपने दुश्मनों से नफरत करता है। तो हम भी एक मुआहिद होने के नवान से खुदा के दोस्तों को दोस्त रखते हैं, खुदा के दुश्मनों को दुश्मन रखते हैं। यही तो खुतबे गदीर में भी रसूल खुदा फरमागे कि अल्लाहुम्मा वाली मन वाला हो, कि खुदाया जो इस अली से मोहब्बत करे, जो इस अली से इजहार मोहब्बत करे, तो उससे मोहब्बत कर, वाखदुल मन खज़ला हो, और उसको जलील कर जो अली को मसलन जलील करने का वो सोचे, यानी अली की इत्तबा ना करे या अली को दुश्मन बना ले। बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई ये मौजू है जो बेहतरीन मौजू है। इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे। आपका दोबारा से शुक्र अदा करते हैं। तो नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज से बयान किया गया और जिस तरह से बताया गया कि हुसैन को चाहने वाला कौन है, किस तरह से वो अहादीस को बयान किया गया कि खुद मासूमीन अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ अहादीस मौजूद हैं कि जो हुसैन को चाहने वाला है, जो हुसैन के दुश्मन है वो हमारे दुश्मन है, जो हुसैन के चाहने वाले वो हमारे चाहने वाले हैं। और यहाँ तक कहा गया कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चाहता है गोया उसने रसूल को चाहा है, और जिसने रसूल को चाहा है उसने गोया खुदा को चाहा। यानी अगर आप खुदा तक पहुँचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पहले हुसैन को चाहना होगा। हुसैन को चाहने के लिए अपने अंदर उस ज़र्फियत को पैदा करना होगा, अपने अंदर उस कमाल को, उस यकीन को बनाना होगा कि आप उस मकाम तक पहुंच सकें कि आप हुसैन को चाह सकें, आप हुसैन से मोहब्बत कर सकें। और अगर आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो रसूल से मोहब्बत करते हैं, और जब रसूल से मोहब्बत करते हैं तो खुदा से मोहब्बत करते हैं। खुदावंद मुताल से दुआ करते हैं कि आप सबकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान सईद मुशर अब्बास मुसीब को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। रो के कहती थी सकीना आबिदे बीमार से, रो के कहती थी सकीना आबिदे बीमार से, क्या मेरी मैयत भी गुजरेगी, क्या मेरी मैयत भी गुजरेगी इसी बाजार से। रो के कहती थी सकीना आबिदे बीमार से, रो के कहती थी सकीना आबिदे बीमार से, मैंने बाबा के गले पे रखा था अपना गला, दे के अपनी ही कसम बाबा ने रुखसत कर दिया, वरना मैं भी कत्ल हो जाती उसी तलवार से। रो के कहती थी सकीना आबिदे बीमार से, रो के कहती थी सकीना आबिदे बीमार से, आखिरी ख्वाहिश समझ कर मुझको सर बाबा का दे,
इनसे कहिए जितना जी चा है तमाचे मार ले, जिस कदर चाहे बहाल खूं मेरे रुख सार से। रो के कहती थी सकीना आबिदे बीमार से, बात जब सा रे सफीरों में कनीजी की हुई, मैं तो भैया शर्म से ही मर गई थी उस घड़ी। मैं कहाँ जिंदा पलट के आ थी दरबार से, रो के कहती थी सकीना आबिदे बीमार से। बाद मेरे घर को हर वापस भी मिल जाए तुम्हें कब्र सरकार दो आलम पर छड़ा देना उन्हें, रोज मैं शर लूंगी मैं अब मदे मुख्तार से। रो के कहती थी सकीना आबिदे बीमार से, सोचते रहते थे अकबर आबिदे मुस्तर यही, किस तरह आंसू उठाऊं खाक से जिंदान की, और लहू कैसे जुदा होगा दरो दीवार से। रो के कहती थी सकीना आबिदे बीमार से, रो के कहती थी सकीना आबिदे बीमार से। क्या मेरी मैयत भी गुजरेगी इसी बाजार से, रो के कहती थी सकीना आबिदे बीमार से।